तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो यार बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार भाई कोई रश गेम प्ले लेके आओ। तो भाई इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम रश गेम प्ले दिखाने वाला हूँ और आप लोग देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और यहाँ पे एक बंदा था जो राइट साइड में, इसने पता क्या कर रखा था कि बाहर से या अंदर से किसी ने ये शील्ड लगा दी थी। ठीक है, तो मैं आने की पहले ट्राई करता हूँ। ठीक है, अभी ऊपर बंदा मेरे को बिल्कुल डैमेज कर देता है यार। मेरे को नहीं पता था कि ऊपर बंदा है, बट ये बहुत कर रही टीपीपी ले रहा था। ठीक है, अब चांस था इसको मारने का, बस मैंने थोड़ा सा फ्री फायर दिया, बट ये सामने आया, फिर मैंने थोड़ा सा फ्री फायर दिया, बट जो एक मैन होता है ना उसको आधा आधा करके मारा है तो ईजिली फिनिश हो गया। क्योंकि अगर एक बार मैं पूरा मार देता तो गन रिलोड पे आती और वो मेरे को इजीली किल कर देता। ठीक है, तो ये वाला बंदा थोड़े से मैं इसके साथ मौज लेता हूँ कि यहाँ पे खड़ा हो गए और अंदर मौली देखने की ट्राई करता हूँ, बट मौली क्या सीन रहता है कि मौली दीवार में लग के बाहर ही गिर पड़ती है। तो अब मेरे को पता तो था कि जो ये शील्ड है वो मुक्के से हाथ से टूट जाएगी, बट मैं तोड़ता नहीं हूँ इस टाइम क्योंकि अभी मेरे यूजी में भी गोली नहीं थी। तो मैं शॉटगन लेके जाता हूँ और इसको शील्ड को तोड़ देता हूँ। ठीक है, और तब तक ये बंदा ऑटोमेटिकली ये लोग नॉक कर देते हैं, बट किल मैं ले लेता हूँ इन लोगों का और इस बंदे को इजीली मार देते हैं। ठीक है, ये बंदा पता नहीं क्या है यार, मतलब कुछ भी। और यहाँ पर ज़्यादा देर वेट नहीं करते हैं, दो से चार पांच बंदे आ रखे थे उन लोगों को मार के, और यहाँ पे जो ड्रॉप की जो लूट है वो ड्रॉप की लूट के लिए, क्योंकि यार यहाँ पे बंदे मोस्टली इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको स्नाइपर चाहिए रहती है। ठीक है, तो वो बंदे आएंगे जिसको स्नाइपर का शौक होगा, मतलब वही बंदे यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर तो मैं चेक कर लेता हूँ गटका में बंदे होते नहीं, बट यहाँ पर दो बंदे थे। ठीक है, तो यहाँ पर सीन क्या रहता है कि ये बंदा ओपन में भाग रहा था, मैं इसके ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश करता हूँ बट ये गाड़ी नहीं चढ़ती। ठीक है, मार देता है, मैं प्रोटेक्शन शीट लगाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे टीपी भी लेके देखता हूँ कि यार कोई है तो नहीं, बट यहाँ पे कोई नहीं था। और यहाँ पे जितनी भी लूट थी वो सारी लूट कर लेते हैं और यहाँ से सीधा की सीधा निकल जाते हैं, क्योंकि यार जो गाड़ी भी इन लोगों ने फाड़ दी थी उसमें धुआं सा निकल रहा था गाड़ी में, बट अब वो गाड़ी तो बेकार हो चुकी थी क्योंकि उसको तो लेकर तो जा नहीं सकते थे। बट मैं सोचता हूँ कि मैंने इन लोगों से बोला कि तुम लोग यहीं रुको, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, बट मैंने गटका में ये गाड़ी खरीदी थ्री व्हीलर, इसको उठा लिया और यहाँ से इन लोगों को पिकअप करके यहाँ से सीधा निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बंदे थे नहीं तो रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो अब क्या सीन रहता है कि यहाँ पे बंदे मिलेंगे वहाँ पे मारेंगे, बस कहीं टीपीपी नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ से गाड़ी को उठाते हैं और सीधा की सीधा यहाँ पे टेक सेंटर की ओर रश कर देते हैं। ठीक है, तो क्या सीन रहने वाला है कि इधर मेरे को एक फायरिंग आती है, बंदा दिखता है हल्का सा, बट यहाँ पे बंदा अंदर नहीं था, बट गेट भी खुले हुए थे तो थोड़ा सा शक और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब एक बंदा जो मेरा टीममेट है वो ऊपर जाके बोलते हैं कि कोई नहीं है, मैं भी ऊपर पे जाता हूँ कि चेक करता हूँ कि कोई नहीं है, बट यहाँ से क्या सीन रहता है कि यहाँ पर एक बंदा था जो बोट था, ये डैमेज कर रहा था हल्का हल्का, मैं इसको मारने की ट्राई करता हूँ, बट क्या सीन रहता है कि बस ये बंदा ले लेते हैं। और यहाँ पे देखने आता हूँ कि यहाँ पे कोई तो था नहीं, बट सामने एक बंदा टीपीपी ले रहा था, सामने एक बंदा किसी दूसरे बंदे को मार रहा था। ठीक है, मैं चेक करता हूँ इधर साइड, पर कोई दिखता नहीं है और यहाँ पे एक बंदा दिख जाता है खिड़की पे टीपीपी लेते हुए, और इसको एक शॉट मार देता हूँ और दूसरे शॉट में नॉक करके इसको यहाँ से गाड़ी लेके सीधा की सीधा इन लोगों को प्रेस करते हैं। मैं इन लोगों से बोलता हूँ कि भाई गाड़ी लेके आओ। ठीक है, अभी मैंने गाड़ी ड्राइव का ऑप्शन नहीं दबाया था, मैंने तो बस गेट इन का दबा दिया था, बट ये लोग क्या करते हैं घुमा के पूरा की पूरा गाड़ी लेके आ जाते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे इस बंदे को ये कितने क्या कर रहा था यार यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं पता नहीं यार, सीढ़ी को बताना चाह रहा था, मतलब कि जो मेरी वीडियोस डेली देखता है ना बंदा और मेरी वॉइस को नोटिस करता है, और मतलब जो एक बर्ड है वो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर वो बर्ड जो बंदा मेरे कमेंट बॉक्शन में मतलब मेंशन करता है और लिखता है कि भाई आप ये वाला बर्ड बोलते हो, तो मैं उसको पांच स्लीप्स और पांच ट्रिगर गिव अवे करने वाला हूँ। तो आप लोग उस लाइन को ज़रूर लिखें मेरे कमेंट सेक्शन में, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी उस बंदे से बात करके कि हाँ भाई ने दिया है कि नहीं दिया है, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने तो अभी तक आज तक गिव अवे नहीं किया है, फर्स्ट टाइम गिव अवे कर रहा हूँ, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कहते हैं बंदे बट देते नहीं हैं, बट ये रियल है भाई, जो भी उस लाइन को मेंशन करेगा मैं उसको पांच स्लीप्स और मतलब कि एक बंदे को एक स्लीप्स और एक ट्रिगर देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब पहले भी बंदे ने बोला रखा था कि भाई मेरे को भी ट्रिगर दे दो, बट अभी मैं उस बंदे से बोल रहा हूँ कि भाई अब मेंशन कर दो कमेंट में लाइन जो मैं मतलब कि हर वीडियो में बोलता हूँ मोस्टली, तो मतलब कि एक स्लीप्स और एक ट्रिगर्स देने वाला हूँ, और ऐसे ही मैं पांच से छह लोगों को देने वाला हूँ जो सबसे फर्स्ट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक बंदा दिखता है क्योंकि यहाँ पे ब्रिज से बहुत ज़्यादा फायर आया था, तो
भी लॉक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लॉक हुआ था तो ये लोग इसको फिनिश कर देते हैं। ये ओपन में जा रहा था तो मैंने उससे मना कर दिया भाई ओपन में मत जा वरना मैं रिवाइव देने नहीं आऊँगा, तो ये लोग पीछे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ए लॉक हुआ था तो इसका टीममेट जरूर होना बनता है। बट यहाँ पे गाड़ी आ जाती है, मैंने गन रिलोड नहीं कर रखी थी तो इस गाड़ी को भी थोड़ा डैमेज करते हैं, बट गाड़ी सीधी की सीधी निकल जाती है, बस कोई बंदा नहीं मिलता है। और यहाँ पे यहाँ पे सामने एक बंदा दिख रहा था, मैं उसी गाड़ी को देखने की ट्राई कर रहा था, बट ये सामने एक बंदा और आ जाता है, ठीक है, इसके इसी का एक टीममेट था तो बस इस बंदे को भी इजीली से मार दे। बट ये क्या सीन रहता है कि ये गाड़ी लेके निकलने का ट्राई कर रहा था, बट इसको गाड़ी लेके इस बंदे को भी इजीली से मारा। अभी इसका टीममेट एक को डैमेज कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे ये टीपी घास में छुपा हुआ था, बट मैं इसको देख लेता हूँ और इसको इजीली मार देता हूँ, क्योंकि अब देखो यहाँ पे एक भी बंदे नहीं बचे हुए हैं तो यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं लोगों से बोलता हूँ अगर ब्रिज कैंप हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक एक गाड़ी से पीछे से तुम लेके आओ और एक गाड़ी से मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है, तो कोई अगर डैमेज भी करेगा तो गाड़ी को अगर कोई बंदा फाड़ेगा भी तो एक ही गाड़ी को फाड़ पाएगा, मतलब दोनों गाड़ी को नहीं फाड़ पाएगा। ईजी ट्रिक होती है ब्रिज को क्रॉस करने की। तो यहाँ पे अब देखो जोन में तो आ ही चुके थे तो मैंने यहाँ पे गाड़ी रोक दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो वो वाली जो गाड़ी मैंने उसको डैमेज दिया था हल्का सा, आप लोगों ने देखी होगी टेस्ला वाली, वो गाड़ी यहाँ पे रुक जाती है। मैं यहाँ पे इन लोगों को मार कर देता हूँ कि भाई यहाँ पे ये गाड़ी रुकी हुई है, अब बंदे 90 से 100% बंदे यहीं पे होने चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे को ऊपर बंदे दिख भी जाते हैं, मैं इसको एक बॉडी दे देता हूँ और नॉक नहीं होता है, बट क्योंकि लेवल 3 का हेलमेट और बेस्ट दोनों साइड थी तो बस नॉक नहीं होता है। और मैं दूसरे वाले बंदे को भी डैमेज करने की कोशिश करता हूँ, बट उसको भी एक मैं बॉडी दे देता हूँ, अब वो भी नॉक नहीं हुआ। तो मतलब अब दोनों को बॉडी दे दिया है तो पीक तो करने वाले हैं नहीं, 90 से 80% भाई ये दोनों पीक नहीं करेंगे। तब तक मैं थोड़ी सी जितनी भी हो सकती है हेल्थ लगाता हूँ, बस दोबारा मारने की ट्राई करता हूँ, तब तक ये पीछे से कहाँ से मारा जा रहे हैं, ये इतना सारा डैमेज करते हैं यार कि मारा तो वही शुक्रिया है कि मैंने आधा स्प्रे फिर भी दिया और अभी दोबारा निकलेगा तो भाई कहाँ से पीछे से आते हैं यार। ये लग रहा था कि इसी का टीममेट था, क्योंकि तीन बंदे आगे थे इनके और एक बंदा ये पीछे था, ये पूरा की पूरा प्लान करके मारने का ट्राई कर रहा था, बस ये फेल हो गया, इसने मार नहीं पाया। और यहाँ पे भी देखो इसका एक बंदा यहाँ पर था, ठीक है, और दो बंदे सामने थे, तो एक नंबर मतलब दो नंबर भाई उधर चला जाता है इन लोगों को मारने के लिए, बट मैं इसको बंदे के नेट से मारने की ट्राई करता हूँ, बस यहाँ पे भी नेट फेंक देता हूँ, पूरे की घर ही में नेट ही नेट फेंक देता हूँ और ट्राई करता हूँ मारने की नेट से, बट ये कुछ होता नहीं है, खास कुछ नहीं होता। बट ये राइट सीट पड़ी हुई थी तो मैंने इसको यहाँ से उठा लिया, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा हद तक काम आ जाती है। और मैं नेट ही नेट फेंक रहा था कमरे में भाई कि दिख जाए मर जाए, मतलब कुछ नहीं हुआ था इसका तब तक। मैं अभी देखो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो अभी उसको ऊपर रस नहीं करेंगे, ठीक है, वो सामने वाले बंदे की पावर पता नहीं है। यहाँ पे एक बंदा दिख जाता है लेटा हुआ सांप बना हुआ, तो इसको दो शॉट मार के इसको फिनिश करते हैं, क्योंकि देखो सामने वाले बंदे की पावर तो पता नहीं है कि वो मतलब कैसा खेलता है क्या है, बट हाँ अपनी पावर जरूर पता है। इसको बंदे को डैमेज करने की को ट्राई करता हूँ, क्योंकि जॉन आ गया है तो हमें इतना सारा डैमेज कर दिया है तो वो ओबियसली मर जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे पीछे से भी फायर होने लगता है तो यहाँ पे बहुत सारा डैमेज कर देते हैं पीछे वाले। तो अंदर आ जाता हूँ और उसके बाद हील वील की जो भी कुछ करना होता है मैं कर लेता हूँ। और क्योंकि सीन क्या रहता है कि अब सामने वाले बंदे को तो मैंने इतना सारा डैमेज कर दिया था, अब मेरे को जरूरत थी तो मैंने ये वाले बंदे पता नहीं क्या सामने सो रहा था पता नहीं क्या, अब मैंने सामने वाले बंदे को इतना सारा डैमेज कर दिया था तो जॉन के अंदर भी था वो बंदा, तो 90% चांस नहीं है कि ये बंदा बच पाए, बट मेरे को किल नहीं मिलता है तो ज़्यादा श्योर नहीं होता हूँ कि मैं देखता हूँ कि बंदा है कि नहीं, बट दिखता नहीं है तो क्योंकि अब मैंने सीन कर लिया था क्योंकि चार बंदे बचे हुए हैं और तीन हम हैं तो मतलब ऑब्वियसली एक बंदा बचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि अब ज़्यादा रुकने का कुछ फ़ायदा नहीं है तो गाड़ी के जोन में घुमाते हैं और बंदा तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे ड्रॉप भी गिरा हुआ था तो ड्रॉप पे आते हैं, ड्रॉप पे कुछ नहीं मिलता है और यहाँ पे हमने ये बंदा स्पॉट हो जाता है, ठीक है। अब एक बंदा है और उसको ये पूरी तरह से मारने की ट्राई करता है, बस इसको मारने का अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।